आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले अपने कथन पढ़ते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो अपना पहला कथन है वो है ताप्ती नदी गल्फ ऑफ कच्छ में गिरती है। देखिए, जो अपना पहला कथन है उसको अगर अपने सॉल्व करें तो वो है ताप्ती नदी गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है जो कि किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। अरब सागर का हिस्सा, ठीक है। और ये जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है मुल्ताई से। मुल्ताई, और यह कौन से राज्य की प्रमुख नदी है? यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब अपने दूसरा कथन पढ़ते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है। तो अपना जो सेकंड यहाँ पे कथन है, जो यहाँ पे गोदावरी नदी है यह कहाँ से निकलती है? यह जो ये अपना पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी घाट की त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिमी घाट की जो त्र्यंबकम की पहाड़ियां हैं उससे यह निकलती है। और यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र के नासिक में है। महाराष्ट्र के नासिक में यह पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। अब जो अपना तीसरा स्टेटमेंट है वो कौन सा है कि जो अहमदाबाद है ये ताप्ती यह साबरमती नदी के तट पर है। यह भी सही है कि जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद जो शहर है ये साबरमती नदी के तट पर है, साबरमती नदी के ही तट पर स्थित है। अब अपने यह देखे तो अपने पास जो पहला कथन है वो तो गलत हो गया, दूसरा कथन अपना सही है और तीसरा कथन अपना सही है। तो यहाँ से जो दो कथन सही होते हैं वो होते हैं दूसरा और तीसरा, जो कि सेकंड ऑप्शन में अपने को दे रखा है। तो यह दोनों कथन सही हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।